तो आज के इस लेक्चर में हम राउट्स पर ऑथराइजेशन ऐड करना देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि अभी तक आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है विदाउट लॉग इन हुए यूजर जो है अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब लॉग इन हो जाता है यूजर तो लॉग इन या रजिस्टर जैसे जो भी हमारे एक्सटर्नल राउट्स होते हैं, जो अनप्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए यूजर। तो बेसिकली इसी को हमें फिक्स करना होगा, मीन्स कि हमें ऑथराइजेशन ऐड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको पता हो तो। अगर मैं यहाँ पर जो है सिंपल एप्लीकेशन में जा करके दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सिंपल नॉर्मल लॉगिन करता हूँ, पहले जैसे मैंने अपना पासवर्ड डाला यहाँ पर एंड मैंने यहाँ पर जो है मेल डाली अपनी, और मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने आपसे इज लॉग्ड इन ट्रू सेट करवाया था, मींस कि यहाँ पर जो है ये यूजर लॉग्ड इन हो चुका है। जैसे हम लॉग आउट करते हैं तो ये सारा का सारा डेटा हट भी जाता है। तो इस केस पर हम चेक कर सकते हैं कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, बेसिकली ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्विस के अंदर आते हैं। सर्विस में हम एक और मेथड बनाएंगे जो कि बेसिकली ये चेक करने का काम करेगा कि बेसिकली यूजर जो है लॉग्ड इन है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक इज लॉग्ड इन, आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ से जो है रिटर्न करूंगा ट्रू या फॉल्स। अब रिटर्न हमें करना होगा ट्रू या फॉल्स, वो हमें कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में हम क्या पास करेंगे, ये जो इज लॉग्ड इन हमने कराया हुआ था, ये जस्ट मैं यहाँ पर जो है पास कर दूंगा। और यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स बेसिकली कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिपल इक्वल एंड ट्रू मैंने पास कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो स्ट्रिंग में ही यहाँ पर स्टोर होगी, कहीं आप सोचो बुलियन में स्टोर होगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग सेव होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग में लिखा है ट्रू। देन यहाँ पर ये जो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा अगर आपका बेसिकली अगर लॉग्ड इन है यूजर तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा ये मेथड, वरना आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा सर्विस के अंदर हमें ये मेथड क्रिएट कर लेना है। अब बात आ जाती है राउट्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है आपके हम कुछ कमेंट्स बना लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पर हो गए अनप्रोटेक्टेड राउट्स, इसको मैं यहाँ पर जो है जस्ट कमेंट बना रहा हूँ। और ये बेसिकली आपके जो राउट्स हैं यहाँ पर ये अनप्रोटेक्टेड राउट्स हैं, एंड आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आ गए आपके प्रोटेक्टेड राउट्स। तो प्रोटेक्टेड राउट्स मैंने जस्ट कमेंट बनाई हुई है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड राउट्स को हम यहाँ पर रखते जाएंगे और प्रोटेक्टेड राउट्स को हम यहाँ पर रखेंगे इसके नीचे। रखना तो कहीं पर भी रख सकते हो, जस्ट मैंने कमेंट बनाई हुई है, आप कहीं पर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ ऑथ सर्विस को। तो यहाँ पर हम ऑथ सर्विस को हमने इम्पोर्ट किया, एंड हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे जिनको हम एज अ कंपोनेंट यूज कर सकते हैं अपने राउट के अंदर। तो कैसे हमें क्रिएट करना है, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ अनप्रोटेक्टेड राउट फंक्शनल कंपोनेंट। तो कॉन्स्ट लाइक मैंने यहाँ पर इसका नेम दिया अनप्रोटेक्टेड और राउट। अब ये जो फंक्शनल कंपोनेंट मैं बनाने जा रहा हूँ बेसिकली ये उन राउट्स पर लगेगा जो अनप्रोटेक्टेड राउट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना लॉग इन रजिस्टर आपका फॉरगेट पासवर्ड रिसेट पासवर्ड जो भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो है एक बेसिकली पैरामीटर ले रहा होगा जो कि एक एलिमेंट होगा, अभी मैं बताऊंगा एलिमेंट क्यों होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका टाइप जो है एलिमेंट रहने वाला है यहाँ पर, एंड आपका ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन लगने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये जो ऑथ सर्विस है इसके अंदर से हम क्या करेंगे, डॉट कॉल करेंगे अपना कौन सा मेथड इज लॉग्ड इन, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, नॉर्मली बात है। तो हम यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लाइक इज ऑथेंटिकेटेड या जो भी आपको सही लगता है, ऑथेंटिकेटेड मैंने कर लिया है। एंड यहाँ पर जो है इसमें वैल्यू स्टोर होगी ट्रू या फॉल्स, तो इसके केस पर जो है हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज ऑथेंटिकेटेड, सॉरी कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया, अगर इज ऑथेंटिकेटेड अगर यहाँ पर होता है ट्रू, तो ट्रू होता है। देखिए ये जो मैं अनप्रोटेक्टेड राउट है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे लाइक मान के चलिए हमारा ये जो लॉग इन कम्पोनेंट है, अब यहाँ से मैं लॉग इन हटा बेसिकली कंपोनेंट इक्वल लॉग इन हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज करूंगा एलिमेंट इक्वल, एंड यहाँ पर जो है मेरा आ जाएगा सिंपल अपना ये
फंक्शनल कंपोनेंट जो कि हमारा अनप्रोटेक्टेड राउट। तो ये मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। अब इसमें आपको पता है कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है, एलिमेंट टाइप का होगा, तो एलिमेंट तो हमारा बेसिकली क्या है, कंपोनेंट है, यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होगा। तो एलिमेंट इक्वल टू, और यहाँ पर जो राउट हम जो सॉरी कंपोनेंट हम प्रोवाइड कर रहे थे पहले, जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर पास किया, ऐसे हमने यहाँ पर लॉगिन पास किया हुआ था, तो वो आपका कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये करेगा क्या, यहाँ पर समझने की बात ये है, जैसे ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट कॉल होता है, यहाँ पर हमने पैरामीटर में अपना कंपोनेंट प्रोवाइड किया जो कि एक एलिमेंट कहलाता है, तो यहाँ पर एलिमेंट आया, और एलिमेंट एलिमेंट तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमने लिया हुआ है, अभी यूज नहीं किया हुआ है, पर हमने इस लॉग्ड इन यूज किया और उससे चेक किया कि वो लॉग्ड इन है या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम क्या करेंगे, तो हम नेविगेट का यूज करेंगे, नेविगेट, तो हम उसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, टू इक्वल टू डैशबोर्ड पर, तो डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या कर रहा हूँ मैं कि मान के चलिए ये जो अनप्रोटेक्टेड राउट मैंने लगाया लॉगिन पर, इसने भेजा लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ये अगर बाय द वे मान के चलो अगर लॉग्ड इन हुआ यूजर, इसकी वैल्यू क्या हुई, ट्रू, तो ट्रू है मींस कि वो लॉगिन पर नहीं जाना चाहिए, वो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नेविगेट कर दिया उसको, रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पर। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको क्या करेंगे, अपने नॉर्मल एलिमेंट पर प्रोसीड होने देंगे आगे के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने नॉर्मल प्रोवाइड कर दिया कि आप जो है लॉगिन के लिए जा सकते हो अगर, बट यूजर लॉगिन नहीं है तभी, बट अगर यूजर लॉगिन होगा तो ट्रू होगा, तो ये डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और जस्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं। इतना काम करना है आपको अनप्रोटेक्टेड राउट के लिए, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, और जस्ट मैंने ये कॉपी किया और हमने प्रोवाइड कर दिया सेम रजिस्टर के लिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका रजिस्टर कंपोनेंट, सॉरी रजिस्टर एलिमेंट, तो यहाँ पर एज अ एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये तो हमने बात कर ली अनप्रोटेक्टेड राउट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट के लिए, कि प्रोटेक्टेड राउट्स हैं उनके लिए भी हमें कुछ चेक लगाना पड़ेगा। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैंने सी का कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने हटा दिया अन हटा दिया, और बाकी रह गया प्रोटेक्टेड राउट। तो इस केस में भी आपको सेम एलिमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको जो है हमें चेक करना होगा लॉग इन है या नहीं यूजर, तो मिल जाएगा। अगर लॉग इन होता है यूजर तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट पर जाने देंगे क्योंकि वो डैशबोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट कर रहा है अपने लिए, तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल एलिमेंट पर जाने देंगे। अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने कहाँ पर, लॉग इन पर। तो ये बेसिकली आपको काम करना है। अब ये जो प्रोटेक्टेड राउट है वो भी आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो एलिमेंट इक्वल टू एंड अपना प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड राउट, और सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा ना आपका ये, तो यहाँ पर आपका एलिमेंट आएगा, एलिमेंट में आपने प्रोवाइड कर दिया अपना डैशबोर्ड, तो ये हमने डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया। अब जो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं, हालांकि करना चाहिए प्रॉपर वर्क। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, तो अभी जो है ये रिडायरेक्ट हो चुका है लॉगिन पर, देख सकते हो अपने आप ही रिडायरेक्ट हो गया, वरना ये डैशबोर्ड पर ही रह जाता। अभी देख पा रहा हूँ मैं रजिस्टर पर आ पा रहा हूँ, लॉगिन पर आ पा रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो मैं डैशबोर्ड पर जाना चाहूंगा तो चला जाऊंगा क्या, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं लॉगिन पर आ पा रहा हूँ घूम करके, मैं उस पर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हमने वो प्रोटेक्टेड राउट बनाया हुआ है अपना डैशबोर्ड। तो जिसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने डैशबोर्ड को हिट किया तो प्रोटेक्टेड राउट फंक्शनल कंपोनेंट कॉल हुआ जिसमें आपका एलिमेंट जाता है, और इसने चेक किया कि ये तो लॉग्ड इन ही नहीं है, तो लॉग्ड इन नहीं है तो इसको लॉग इन पर रिडायरेक्ट कर दो, वरना लॉग्ड इन होता तो ये अपना सिंपल एलिमेंट पर जाता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग्ड इन करते हैं अपना अकाउंट, सॉरी लॉग इन, एंड यहाँ से जो है मैंने अपना पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल करके मैं लॉगिन करता हूँ। अब डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, अभी प्रॉपर है। अब जैसे मैं लाइक चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर पर जाऊँ, तो रजिस्टर पर जा पाऊंगा क्या, नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अनप्रोटेक्टेड राउट वहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट लगा रखा है रजिस्टर पर। अगर जैसे मैं लॉगिन पर जाना चाहूंगा तो नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरे अनप्रोटेक्टेड राउट फंक्शनल कंपोनेंट लगे हुए हैं लॉगिन एंड रजिस्टर पर, बट मैं डैशबोर्ड पर आ सकता हूँ। एंड आगे जो हमारे मीनू जो हो सकते हैं उनके ऊपर आप प्रोटेक्टेड राउट्स लगाओगे तो उन पर भी इजीली आप जा पाओगे। अब मैं लॉग आउट करता हूँ तो नॉर्मली लॉगिन पर आ पा रहा हूँ, और अब मैं जा नहीं सकता हूँ अपने डैशबोर्ड पर।
तो मैं देख सकते हो लॉगिन पर रिडायरेक्ट होकर के आ रहा हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर हमने ऑथराइजेशन ऐड कर दिया अपने राउट पर। तो अब क्या होगा, जो भी आपके अनप्रोटेक्टेड राउट्स हैं जैसे फॉरगेट पासवर्ड हुआ, तो उन पर ये अनप्रोटेक्टेड राउट जो है फंक्शनल कंपोनेंट कॉल होगा, मींस लगाना पड़ेगा आपको। और जो भी आपके प्रोटेक्टेड राउट्स हैं वहां पर आप ये प्रोटेक्टेड राउट फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हो। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।